हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मोर लग रही होगी आपको जेट प्लांट्स की। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी, ये मेरी मोर डी सेफ हो चुकी है। इसकी जो है ट्रिमिंग करनी है, थोड़ी सी कटिंग करनी है। जैसे ये जो ओवर हो रही है, इन सबको ट्रिमिंग करना है और ये इस तरह से थोड़ा लुक भी देना चाहती हूँ। अभी ये गर्मियों का टाइम है, ये बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ती है, इसलिए ये डी सेफ हो रही है। और मैं टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि छुट्टियाँ हो गई हैं गर्मियों की, बच्चे घर पर हैं और हस्बैंड की भी छुट्टियाँ ज़्यादा पड़ रही हैं, वो भी घर पे हो इस टाइम घर पे होते हैं। तो मैं आपको दिखाऊँ, ये भी एक मोर बन रही है, सेफ ले रहा है अभी। तो इसको भी जैसे हम थोड़ा सा सेफ देंगे तो ये मोर का जितना जितना ये ग्रोथ पकड़ेगा उतना अच्छा इसका सेप आएगा फ्रेंड्स। और एक ये हो रही है, ये भी जैसे इसको बढ़ना है, इसको थोड़ा सा बस यहाँ से ट्रिमिंग करते रहिए, यहाँ से ये आगे को रन करती रहेगी। तो फ्रेंड्स, टिप बस ज़रा सी टिप कर देंगे तो यहाँ से ये पूरा कवर हो जाएगा। और इसकी जो भी कटिंग निकलेगी, इसको हम छोटी छोटी कटिंग भी लगा लेते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी कटिंग से मैंने कई पॉट तैयार किए हैं। जैसे देखिए ये फ्रेंड, ये भी एक जो टावर बनाता है, ये भी बिल्कुल डी सेफ हो चुका है। तो कोई बात नहीं, ये सारे कटिंग से इकट्ठे किए हुए हैं। हम छोटे से जेट प्लांट से बहुत सारे बना सकते हैं। एक ये लुक दे रही हूँ ट्री का। तो जेट प्लांट्स बहुत ही अच्छा प्लांट्स होता है फ्रेंड्स। और बस ये थोड़ा अभी ट्रिमिंग नहीं हो पा रही है तो इसको बढ़ने देते हैं, क्योंकि गर्मी का सीजन है, अच्छे से बढ़ रहा है। इसकी एक बास्केट भी तैयार की है मैंने, ये भी सारा कटिंग से लगा हुआ है, इसको मैं यूं ही बढ़ने दूंगी। तो फ्रेंड, जब भी टाइम मिलेगा तो मैं करूंगी, क्योंकि बच्चे घर पर आए हुए हैं, हस्बैंड की भी छुट्टियां बहुत पड़ रही हैं, तो गार्डन में भी ऑलरेडी बहुत काम हो जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। ये देखिए, ब्लैक गोल्ड मैंने अभी अपने सारे प्लांट्स को दिया है, और देने के बाद इनको सिर्फ शावरिंग किया है रबड़ से। इसकी मिट्टी में मैंने पानी नहीं डाला है, क्योंकि मैंने ये ब्लैक पानी दिया है अपने प्लांट्स को, जिससे कि बहुत अच्छे सी ग्रोथ हो, गर्मियों में इनको ठंडक का एहसास हो। और इसी तरह ये हमारे अडेनियम है, क्योंकि अडेनियम को मैंने फरवरी मार्च में करीब इनको बिल्कुल टोटली रिपोर्ट किया था, इनकी ट्रिमिंग की थी, इनकी जड़ें काटी थी, तो इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है, फ्लावर भी आना स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इनको इनका ऑपरेशन बहुत बुरी तरह से किया गया था, और उसके बाद इतनी गर्मी पड़ गई तो ये भी अपना जब भी फ्लारिंग करेंगे बहुत जम के करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। और देखिए फ्रेंड्स, ये भी यहाँ भी ये कटिंग लगी है, सारी कटिंग लगा देते हैं यहाँ, बहुत ही अच्छा मतलब ये प्लांट्स हैं। आप एक बार इसको ले आइए, फिर आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, पहली बार आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।